लाउड स्पीकर। इन दिनों यही शब्द हर जगह सुनने को मिल रहा है। नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि अब इस मामले में भड़काऊ बयान भी सामने आने लगे हैं। भड़काऊ बयान दिया है पीएफआई के नेता मतीन शेखानी ने। शेखानी ने बीते शुक्रवार एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि अगर एक भी लाउड स्पीकर को छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। आपको बता दें कि राजनीतिक दलों समेत कई हिंदूवादी संगठनों ने लाउडस्पीकर पर बयानबाजी की है। इससे पीएफआई भी अछूता नहीं है। पीएफआई का विवादों से पुराना नाता रहा है। हिजाब विवाद, शाहीनबाग में हुआ सीएए के खिलाफ प्रदर्शन, उससे पहले बाबरी मस्जिद के गिराए जाने तक में इस संगठन की बयानबाजी सामने आई थी। इस संगठन को लेकर पहले भी बैन की आवाज उठाई जा चुकी है। खैर, अब सवाल है कि आखिर पीएफआई है क्या और क्या कहते हैं इनके दावे। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो एक चरमपंथी इस्लामिक संगठन है, वो खुद को पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के हक में आवाज उठाने वाला संगठन बताता है। इस संगठन की स्थापना 2006 में नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट यानी एनडीएफ के उत्तराधिकारी के रूप में हुई। संगठन की जड़ें केरल के कालीकट से लेकर दिल्ली के शाहीनबाग तक मौजूद है। पीएफआई का मुख्यालय शाहीनबाग में ही मौजूद है। एक मुस्लिम संगठन होने की वजह से इस संगठन की ज्यादातर गतिविधियां मुस्लिमों के इर्द गिर्द ही घूमती है, और इससे पहले तमाम मौके ऐसे भी आए जब ये मुस्लिम आरक्षण के लिए सड़कों तक पर उतर आए। पीएफआई 2006 में उस वक्त सुर्खियों में आया था जब दिल्ली के रामलीला मैदान में उनकी तरफ से नेशनल पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। तब बड़ी संख्या में लोग इनकी कॉन्फ्रेंस में भी शामिल हुए थे। फिलहाल देश में 23 ऐसे राज्य हैं जहां पीएफआई की पहुंच है। बात अगर करें इनकी कार्यप्रणाली की, तो ये बताना जरूरी है कि ये संगठन खुद को न्याय, स्वतंत्रता और सुरक्षा का पैरोकार बताता है, और मुस्लिमों के अलावा देश भर के दलितों, आदिवासियों पर होने वाले अत्याचार के लिए समय समय पर मोर्चा खोलता रहता है। बताते चले कि सीएए के विरोध के नाम पर जो हिंसा उत्तर प्रदेश में देखने को मिली थी, उसका सूत्रधार भी पीएफआई था। साथ ही यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सख्त लहजे में इस बात को भी दोहराया था कि अगर पीएफआई सिमी की तर्ज पर उभरने की कोशिश करेगा तो उसे कुचल दिया जाएगा। सिमी यानी स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जिस पर 2015 में मोदी सरकार ने प्रतिबंध अनिश्चितकालीन समय के लिए बढ़ाकर इस संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी। कुल मिलाकर बात इतनी है कि आने वाले वक्त में पीएफआई पर बैन एक बड़ा मुद्दा बन सकता है।